नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या जोशी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है कायरली हेल्थ थ्रू आयुर्वेदा। जब भी हम अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोचते हैं, तब कहीं ना कहीं हम बीमारियों के चपेटे में आ जाते हैं, हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ना तो हमारा स्वास्थ्य हमारा साथ देता है और ना ही फिर हमारा भाग्य साथ दे पाता है। इसके लिए ज़रूरत होती है कि हम हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, और तभी हमारे जीवन में हैप्पीनेस आ पाएगी। अब कैसे ही वो हैप्पीनेस आए, अगर आप परेशान हैं तो वो परेशानी कैसे दूर हो पाएगी, ये सभी बातें आप जानेंगे इस कार्यक्रम में, क्योंकि मेरे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर रियाज, जो कि हैं एक्सपर्टीज इन आयुर्वेदा। तो बिना देर करें उनका स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते। नमस्ते। आज डॉक्टर रियाज से हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो ओबेसिटी का शिकार होते चले जा रहे हैं। ओबेस यानी कि मोटापा, और ये मोटापा क्यों बढ़ता है, क्या है इसके कारण, और किन किन लापरवाहियों की वजह से हमें ओबेसिटी का शिकार होना पड़ता है, ये सभी बातें आज हम डॉक्टर रियाज से जानेंगे। तो बिना देर करें डॉक्टर के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर रियाज, yes. क्या कारण है कि इंसान जो है ओबेस हो जाता है, ओबेसिटी की तरफ बढ़ जाता है, कौन कौन से वो लक्षण होते हैं या वो कारण क्या है? ओबेसिटी या मोटापा, या उसको हम आयुर्वेद में स्थौल्यता बोलते हैं। स्थौल्यता आने की बहुत सारा रीजंस है। स्थौल्यता का मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के अनुसार, अगर किसी का बॉडी मास इंडेक्स है वो 18 से लेकर 25 तक होता है, उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। 25 का ऊपर से लेकर 30 तक BMI आते हैं, उसको हम ओवरवेट बोलते हैं। अगर 30 का ऊपर BMI आते हैं उसको हम ओबीस बोलते हैं। तो BMI क्या है? BMI का मतलब ये होता है बॉडी मास इंडेक्स। वो बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, वो कैलकुलेट करके अगर वो 18 और 25 का बीच में है वो बिल्कुल हेल्दी है। अगर वो 25 का ऊपर से लेकर 30 तक है तो वो ओवरवेट है। तो ओवरवेट से लेकर हमको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर 25 का ऊपर है तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, 30 का ऊपर है तो उसको हम बोलते हैं ओबीस। तो ओबीसिटी का कारण क्या होता है? उस कारण के अंदर मेनली चार चीज़ें आती है। उसमें एक चीज़ है वो जेनेटिक कोस है, वो उनका अगर मादा है, पिता है, उनका भाई बहन है, उनकी अनुसार अगर वो मोटापा है तो ऑलरेडी वो बंदा भी और बंदी भी मोटा होने के लिए चांसेस ज़्यादा है। दूसरा रीज़न ये है कि वो कुछ हार्मोनल रीजंस है, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो भी आएगा। और दूसरा ये है कि कुछ बिहेवियरल कंडीशंस है, हो सकता है कि वो प्रॉपर तरीके से उनका लाइफस्टाइल है प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल वो रात को लेट सोते हैं और सुबह मतलब दिन की वक्त ज़्यादा सोते हैं, और खाना प्रॉपरली नहीं करते हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं, उसको हम बिहेवियरल कोसेस में डालते हैं। और दूसरा एक मेन रीज़न है मेटाबॉलिक रीज़न है। अगर मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली नहीं होएगा तो ओबेसिटी आने के लिए चांसेस हैं। वो मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि अगर वो क्या खाते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का कुछ मेटाबॉलिज्म्स होता है, कुछ साइकिल्स होते हैं बॉडी के अंदर, ऐसे कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, उस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से क्या होता है कि ओबेसिटी आ जाते हैं। तो ओबेसिटी का मेन रीजंस ये चार चीज़ें मैं आपको बोला वही है। और आयुर्वेद के अनुसार स्थौल्यता का ओबेसिटी आने के लिए बहुत सारा चीज़ें बताया गया है। उस रीजंस के अंदर दिनचर्या से लेकर ऋतुचर्या से लेकर उनका उनका सद्वृत्ता से लेकर बहुत सारा चीज़ें जुड़ा हुआ है ओबेसिटी का कारण में। उसमें एक चीज़ ये है, पहले चीज़ में बोला कि दिनचर्या में पहले चीज़ आयुर्वेद में बताया गया है कि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत, ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अगर वो ब्राह्म मुहूर्त में नहीं उठेगा तो उसका मतलब ये है कि पहले चीज़ वो ओबेसिटी का कारण बन गया। तो ब्राह्म मुहूर्त में उठने के लिए पहले ये जानना चाहिए कि ब्राह्म मुहूर्त कब है। ब्राह्म मुहूर्त ऐसे टाइम है उसमें ब्राह्म का मतलब जैसे कि पूरा परमात्मा का वो टाइम है, उस टाइम में हम कैसे एनालाइज कर रहे हैं किस समय ब्रह्म मुहूर्त में, उसका डेफिनेशन में उसका जब व्याख्यान करते हैं कौन सी टाइम है ब्रह्म मुहूर्त,
मोस्ट ऑफ द आचार्य ये बताया है कि जब सूर्य उठते हैं, जैसे सनराइज का एक याम पहले, यानी 3 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, तो उस समय अगर 6 बजे सूर्य सनराइज है तो 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाते हैं। उस समय से उठकर उठना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद आयुर्वेद में यह बताया गया है कि उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद स्नान करना चाहिए, उसके बाद व्यायाम करना चाहिए, उसके बाद व्यायाम करने के बाद स्नान करना चाहिए, और ब्रशिंग के बारे में भी बताया गया है। तो ये सब चीज़ें प्रॉपरली नहीं करने की वजह से, अगर दिनचर्या प्रॉपरली फॉलो नहीं करोगे तो वो ओबेसिटी का एक कारण है। और दूसरा कारण यह है कि ऋतुचर्या है। ऋतुचर्या का मतलब यह है कि एक एक सीज़न में आयुर्वेद में टोटल 6 ऋतु बताया गया है, शिशिरो अथवा वसंतश्च ग्रीष्म वर्ष शरत हिमा। ये 6 ऋतु में, एक ऋतु में 2-2 महीना होता है, तो 6 ऋतु 6 ऋतु × 2 months इज इक्वल टू 12 months। तो एक एक ऋतु के अनुसार एक एक चीज़ें एक एक इंसान को फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल शिशिर ऋतु है, अभी शिशिर ऋतु चल रहे हैं, तो शिशिर ऋतु में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें बताया गया है। ऋतु में एक बहुत बड़ा चीज़ करना ज़रूरी है, वो चीज़ को बोलते हैं हम पंचकर्मा थेरापी। टोटली 3 ऋतु है, उसको हम साधारण काल बोलते हैं। उस साधारण काल में इवेक्यूटिव थेरापी से पंचकर्मा थेरापी करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एक गाड़ी को सर्विस करते हैं, जैसे कि उसका मैन्युफैक्चरर बोलते हैं ना कि 3 महीने का बाद उसको सर्विस करना चाहिए, उसके बाद इतना किलोमीटर चलने के बाद सर्विस करना चाहिए। तो हमारा मैन्युफैक्चरर है ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा ने आयुर्वेद के द्वारा ये बताया गया है कि अगर इस ऋतु आया तो आपको ये प्रोसीजर करना चाहिए। वसंत ऋतु में सबको उल्टी कराना चाहिए, ताकि शिशिर और हेमंत में कितना कफ बढ़ गया है उसको शरीर का बाहर निकालने के लिए सभी वसंत ऋतु में सबको उल्टी कराना चाहिए, और शरत ऋतु में सबको विरेचन कराना चाहिए, इसका मतलब आर्टिफिशियली दस्त कराना चाहिए। और मानसून में, जैसे वर्ष ऋतु है, वर्ष ऋतु में सबको मेडिकेटेड एनिमा करना चाहिए, उसको हम बस्ती बोलते हैं। अगर ये सीजनल ट्रीटमेंट सब करोगे ना, तो फिर मोटापा का कोई कारण ही नहीं बनता है, क्योंकि कितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाते हैं, वो पूरा शरीर के बाहर निकल जाते हैं। उस समय हम दिनचर्या फॉलो किया और सीजनल चर्या, उसका हम बोलते हैं कि ऋतुचर्या फॉलो किया है, इस दोनों अगर फॉलो करोगे तो मोटापा होने की कोई चांसेस नहीं है। डॉक्टर रियाज ने बताया कि किस प्रकार से ओबेसिटी के हम जो है शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारा दिनचर्या ठीक नहीं होता। साथ ही साथ कहा जाता है सूर्य उदय से जब पहले जब इंसान उठता है तो उसका पूरा दिन बहुत अच्छा बीतता है, उसे कोई भी बीमारी जो है नहीं आती, ना ही लगती है। साथ ही साथ हमारा जो खान पान है वो बेहद जरूरी है, समय पर खाना, समय पर सोना। कहते थे ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तभी तो हम अच्छे से रह पाएंगे, जब सुबह जल्दी उठेंगे, समय पर खाना खाएंगे, तभी हम अच्छा पैसा कमा पाएंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात और कही जाती है, कहा जाता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। और इसीलिए तो हम जब सोचते हैं कि हमें सफलता की ओर जाना है, सफलता हासिल करनी है, वो सफलता कैसे हासिल होगी, जब आप खुद स्वस्थ होंगे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर रूप से जब आप खुद स्वस्थ होंगे तो तब देखिएगा कोई भी परेशानी, कोई भी चीज़ आपको कभी घेर नहीं सकती। अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी है, कोई रोग है और चाहते हैं उसका इलाज, तो दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। केरली आयुर्वेदा से आप जुड़ सकते हैं, फिर देखिएगा किस तरीके से आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो सकेंगे। दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकें और डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर रियाज से जानते हैं आप सबसे ज़्यादा उस चीज़ के बारे में, जो आजकल के हमारे बच्चे हैं वो भी ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं। ऐसा क्यों है? बढ़ती उम्र में तो ये होता ही था, लेकिन अब छोटे बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं, तो वो क्या रीजन है? डॉक्टर रियाज, जिस तरीके से कहा जाता था उम्र के साथ बहुत सारी चीजों में बदलाव आता है, एक समय आता है कि ओबेसिटी का भी, जब धीरे धीरे आपकी उम्र बढ़ती है, बहुत सारी चीजों के आप अपने बॉडी से रिलेटेड इश्यूज में बहुत सारी चीजों के शिकार होते हैं, लेकिन आजकल जो छोटे बच्चे हैं वो भी अपने उम्र से ज्यादा, एक तो बड़े दिखना, उनका वजन बढ़ना, तो ये सारे क्या रीजंस हैं, ये क्यों ऐसा इस तरीके से ये लाइफ सर्कल जो है वो पूरा ही चेंज होता जा रहा है? जी, एक्चुअली छोटा बच्चों को ये नहीं जानते कि वो क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। उसका रीज़न उनका माता पिता है,
माता पिता का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि वो क्या खाना चाहे, कि उनको बच्चों को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए। आजकल शुरुआत में माता पिता का ये सोच होता है कि मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता है, कि क्या खिलाना चाहिए, मार्केट से कुछ भी मिलते, कोई एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि ये खिलाओगे तो उनका हेल्थ बढ़ेगा, उसी के अनुसार उनको खिलाते हैं। एक्चुअली पैक्ड फूड है वो बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और बच्चों की ज़बरदस्त खिलाना भी नहीं चाहिए। बच्चों को जब भूख लेगा वो तो ज़रूर रोएगा, कि जब 2 साल के बाद, 2 साल के बाद जब उनका फीडिंग जब बंद हो जाएगा, जब वीनिंग का पीरियड होता है, 9 महीने के बाद उनको खाना खिलाना शुरू करते हैं, वहाँ से लेकर हमको ध्यान रखना चाहिए। कोई आर्टिफिशियल चीज़ें उनको नहीं खिलाना चाहिए, नॉर्मल क्लाइमेट के अनुसार, ऋतु के अनुसार उनको खाना खिलाना चाहिए। और अगर माता पिता को इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो एक अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाकर कंसल्ट कर पूछ सकते हैं कि मेरा बच्चों की प्रकृति क्या है, उनको क्या खिलाना चाहिए। जनरली सब बच्चों के एक ही जैसे नहीं खिलाते हैं, कि उनका भी एक एनालिसिस होता है, उसका हम प्रकृति एनालिसिस बोलते हैं, और सीजन के अनुसार भी हम खाना खिलाने के लिए ये करते हैं। एंड जब उनका सपोज़ उनका जेनेटिक फैक्टर की वजह से, या फिर अगर किसी को ऐसे हो गया है, मतलब उनका मोटापा हो गया है, उसको नेग्लेक्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओबिसिटी एक बीमारी के अलावा एक बहुत सारा बीमारी का एक रिस्क फैक्टर्स है, मतलब खतरा बन जाता है। जैसे कि ओबिसिटी जब उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं करेगा तो उनका हार्ट डिसीजेस होने के लिए चांसेस ज़्यादा है, उनका डायबिटीज़ आने के लिए चांसेस ज़्यादा है, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया आने के लिए ज़्यादा चांसेस है, उनको हाइपरटेंशन आने के लिए ज़्यादा चांसेस है, और कुछ कैंसर्स हैं, खतरनाक कैंसर्स हैं, उसका भी एक रिस्क फैक्टर ओबिसिटी से बनते हैं। तो ओबिसिटी को प्रॉपर टाइम पर ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर ठीक नहीं होता है तो इस ऐसे बीमारियों में वो एंड हो जाते हैं, और जैसे कि इनफर्टिलिटी का भी एक कारण बन जाता है, और उसका अलावा एक सोशल स्टिग्मा भी हो जाते हैं। जब सभी, अगर कुछ छोटा बच्चा है स्कूल जाएगा तो सब बच्चे मोटा 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 मोटी मोटी भुलाएगा, वो भी एक उसे उनका एक डिप्रेशन भी बन जाता है। तो ओबिसिटी को प्रॉपर तरीके से ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जी, तो ओबेसिटी को प्रॉपर तरीके से ठीक करना बेहद ज़रूरी है। जिस तरीके से डॉक्टर रियाज ने बताया कि किस तरीके से ये कैंसर का, डायबिटीज़ का और हमारे जो है अन्य बीमारियों का कारण बन जाता है, क्योंकि जब ओबेसिटी यानी कि मोटापा जब बढ़ता है तो वो शरीर में बहुत सारी परेशानियां लेकर आता है, ऐसे रोग उत्पन्न कर देता है जिनके बारे में हमें नहीं पता चलता, हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो जाता है, और ये वजह बन जाती है कि हम ओबेस होते चले जाते हैं। कुछ चीज़ें तो हायरार्की आती हैं, कहीं ना कहीं हमारे माता पिता से कुछ चीज़ें हमारे अंदर इनहेरिट होती हैं, वो चीज़ें होती हैं, बट उनका पता कैसे लगाया जाए? अगर आपका वज़न बढ़ रहा है तो उसके पीछे वो क्या कारण है, वो वज़न क्यों बढ़ता चला जा रहा है, उसके लिए ज़रूरत होती है आपको कंसल्ट करने की, एक डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत होती है। तो कहीं और मत जाइए, दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपका वज़न बढ़ रहा है, या घर में, परिवार में किसी को भी आपको लगता है कि सेहत का जो है बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई परेशानी आ रही है, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, कायरली से जुड़ सकते हैं और डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर रियाज, जिस तरीके से आपने बताया कि इससे बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, जब ओबेसिटी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियाँ बढ़ती चली जाती हैं, तो इसके साथ फिर इसके लिए कोई क्योर करने के लिए चीज़ें हैं कि किस तरीके से हम इसे क्योर कर सकते हैं, और किस प्रकार से ये हमारे माता पिता से ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं, कितनी कनेक्टेड है कि उनकी वजह से वो प्रॉब्लम हमें भी हो सकती है, अगर जो उन लोगों ने खाया पिया वो हो सकता है शायद हमारे अंदर भी इनहेरिट हो सकता है। बिल्कुल, तो कैसे इसे क्योर किया जाए? एक्चुअली उसको क्योर करने के पहले हमको ये देखना कि कैसे उसको प्रिवेंट करें। उसका क्योर करने का पहले स्टेप ये है कि जी क्या क्या हमको करना चाहिए। उसको आयुर्वेद में एक श्लोक से बताया गया है, कितना खाना है कितना नहीं खाना है, जीर्णे हिदम इदम चाध्यात, एक छोटा सा हाफ लाइन श्लोक है, उसका बहुत अर्थवत श्लोक है। उसको ये बता, उसमें ये बताते हैं, जीर्णे हिदम इदम चाध्यात। जीर्णे का मतलब ये है कि आफ्टर डाइजेस्टिंग द प्रीवियसली टेकन फूड, पहले हम क्या खाया है वो डाइजेस्ट होने के बाद ही दूसरा खाना खाना चाहिए, और क्या खाना चाहिए वो हिदम खाना चाहिए। हिदम का मतलब ये है कि फेवरेबल होना चाहिए, उनका शरीर में फेवरेबल होना चाहिए और उनका क्लाइमेट के अनुसार भी फेवरेबल होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है मितम, मितम का मतलब कितना क्वान्टिटी हमको खाना चाहिए, कितना क्वान्टिटी खाना चाहिए, कि पेट भर के तो नहीं खाना चाहिए और अल्प खा सकते हैं वो भी नहीं,
आपका अग्नि कितना है, आपको भूख कितना है, उसी का आंसर करना चाहिए। और हम क्या खाते हैं, अगर वो गुरु है, हेवी फूड है, तो पेट भरकर नहीं खाना चाहिए, उसका हाफ खाना चाहिए। उसका हम बोलते हैं गुरु नाम अर्ध सौहित्यम, पेट के हाफ खाना चाहिए। और अगर लघु फूड है, उसका मतलब वो इजी डाइजेस्टेबल फूड है, उसको हम नादि तृप्तता, जब तृप्ति होने के पहले बंद करना चाहिए, मतलब सेटिस्फैक्शन होने के पहले उसको बंद करना चाहिए। आजकल क्या कहता है कि अगर वो टेस्टी फूड है तो पेट भरकर खा लेते हैं, अगर कुछ टेस्ट नहीं है तो फिर वो बिल्कुल नहीं खा लेते हैं, और कुछ हेवी फूड है उसमें उनको किसी का नॉलेज नहीं है कि ईजिली डाइजेस्टेबल है या नहीं है। तो पहले चीज़ हमको क्योर करने के पहले हम क्या खाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में ये बताया है आहार जातम वस्तु वस्तु चाहार जाता, हमारा शरीर कैसे बनते हैं, आहार से बनते हैं। तो पहले हमको ध्यान रखना पड़ता है हम क्या खाते हैं और हम क्या पीते हैं। तो पीने में चीज़ यह है कि कुछ चीज़ें में कैलोरी ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का होगे उसमें 4 किलो कैलोरी होता है, अगर वो 1 ग्राम प्रोटीन का होगे उसमें 4 किलो कैलोरी होता है, अगर आप 1 ग्राम फैट का होगे उसमें 9 किलो कैलोरी होते हैं। तो आप क्या खाते हैं उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि अल्कोहल वगैरह है, कोई बंदा जब अल्कोहल पीते हैं उसमें कि बहुत ज़्यादा कैलोरी है, और कितना हम खाते हैं उसका प्रॉपर अब्जॉर्प्शन होता है, तो दोज हु आर टेकिंग अल्कोहल उनको वो पहले बंद करना पड़ेगा। और कौन कौन विरुद्ध आहार खाते हैं, उसको हम बोलते हैं इनकॉम्पैटिबल फूड्स हैं। उसका इनकॉम्पैटिबल फूड का मतलब यह है कि अगर एक खाना शीत है एक खाना उष्ण है, वो दोनों साथ में नहीं खाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, तरबूजा और चावल, उसका हम राइस साथ में खाओगे वो इनकॉम्पैटिबल है। अनदर एग्जाम्पल, अगर किसी ने चाय पिया, चाय के साथ पानी पीते हैं, तो एक तो उष्ण है एक तो शीत है, वो खाओगे। इसी वजह से क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म हिंड्रेंस हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इसमें ध्यान नहीं रखते हैं। तो क्योर का फर्स्ट स्टेज ये है कि खाना पीने में ध्यान रखना, अध्यक्षनम नहीं खाना चाहिए, समशनम नहीं खाना चाहिए। अध्यक्षनम का मतलब यह है कि खाने के बाद वो डाइजेस्ट होने के पहले दूसरा खाना खाना, वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। समशनम का मतलब ये है कि इनकॉम्पैटिबल फूड खाना, एक खाना अलग प्रॉपर्टी है, दूसरा खाना अलग प्रॉपर्टी, वो सोना साथ में खाना, उससे भी हमारा मेटाबॉलिज्म हिंड्रेंस हो जाता है। और दूसरा क्योर करने की तरीका यह है कि पहले मैं आपको बताया कि दिनचर्या के अनुसार काम करना पड़ता है, जल्दी उठना है, रात लेट तक नहीं जागरूक नहीं करना है, और एक्सरसाइज कितना करना है। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, व्यायाम का ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कितना भी खाते हैं अगर उसको हम इनपुट मानोगे तो कितना उतना एनर्जी का आउटपुट होना चाहिए। क्या क्या हम खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट है, तो उसका हमारा लीवर में कुछ स्टोर हो जाता है, अराउंड 400 किलो कैलोरी लीवर में स्टोर होता है, और बाकी हमारा स्केलेटल मसल्स में स्टोर होता है। अगर उसका वो कैपेसिटी वो बंद हो जाएगा, तो फिर एडिपोज फैट का रूप में जहाँ जहाँ लूज स्किन्स होता है, जैसे कि एब्डोमेन में है, जैसे कि हमारा आर्म्स का साइड में है, को फिर एक अगर वो भी बढ़ते बढ़ते जाएगा तो फिर सेलुलेट फॉर्मेशन भी होएगा। तो हमको ये चेक करना है कि कितना आपका इनपुट है उतना आउटपुट होना चाहिए, कितना आप खाते हैं उतना आपको एनर्जी को यूटिलाइज करना चाहिए। उसके लिए आपको क्या ज़रूरी है, अगर आपको इतना वर्क नहीं है तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होगा। एक्सरसाइज में क्या क्या करना है, एक्सरसाइज कितना करना है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। एक दिन आप जिम जाकर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज किया, वो नहीं है सोल्यूशन। एक्सरसाइज व्यायाम एक दिनचर्या है, वो डेली करना चाहिए, और कितना करना चाहिए व्यायाम कितना करना चाहिए उसका एक हाफ श्लोक में बताया गया है, अर्धशक्तिया निषेव्यस्तु बलिभिः स्निग्धभोजिभिः, हमारा कितना शक्ति है उसका हाफ करना चाहिए, और अगर बल भी ही उनको स्ट्रेंथ है तो करना है, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तब नहीं करना है। जब आपको स्ट्रेंथ है, अगर आपका कितना स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ के हाफ आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। वो कभी कभी करने से नहीं होता है, वो डेली करना चाहिए। उसके लिए आप ये काम कर सकते हैं कि डेली आप तो नहाते तो होगा, तो जब नहाते हैं उसका पहले कम से कम 20 मिनट डेली एक्सरसाइज करना का एक आदत बनाना है, तो कभी मोटापा होने के लिए चांसेस नहीं होगा। और दूसरा यह है कि जब योगा है प्राणायाम है, वो हमारा एक्चुअली योगा प्राणायाम हमारा चित्त के लिए होता है, हमारा चित्त का शांत करने के लिए, इसलिए कि पतंजलि योगा सूत्र में पहले बताया गया है, योगेन चित्तस्य पढ़ेन वाचाम मलम शरीर से च वैद्यगेना।
तो चित्त को शांत करने के लिए योगा बहुत ज़रूरी है। तो वो योगा आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो क्या होता है कि आपका मन को शांत रहेगा। जब आपका मन कंट्रोल में आएगा तो आपको शरीर को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आदत आपको करना है, पहले आपको आहार में ध्यान रखना है, फिर उसके बाद आपका एक्सरसाइज में ध्यान रखना है, फिर आपको मन को शांत करने के लिए योगा प्राणायाम आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको कितना भी प्रॉब्लम्स है उसको सही करने के लिए एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाकर कंसल्ट करके, अगर कुछ अंडरलाइन कोस है उसको कोस को रिमूव करने के लिए कुछ वैकल्पिक थेरापीज है, उसको हम पंचकर्मा थेरापी बोलते हैं, वो कर सकते हैं। और उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि जब हम खाना खाते हैं आयुर्वेद के हिसाब से उसको एक सेवन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी में सेवन पार्ट में उसको जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एक दादूस। पहले वो डाइजेस्ट होएगा, फिर रस धातु में जाएगा, फिर रक्त धातु में, फिर मांस धातु, फिर मेदो धातु, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्रा, फिर एनर्जी होता है, उसका हम ओजस बोलते हैं। जैसे कि जब हम खाना खाते हैं उसको ओजस में, एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए सेवन धादुस द्वारा जाना पड़ता है। उसके लिए एक एक धादु से दूसरा धादु कन्वर्ट करने के लिए उसको हम धात्वाग्नि बोलते हैं। उसको हम मेटाबॉलिक फैक्टर्स ज़रूरी हैं, वो मेटाबॉलिक फैक्टर्स को स्टिमुलेट करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर एक्सरसाइज नहीं करेगा, अगर आपने कुछ गड़बड़ वाला खाना खाएगा, तब क्या होता है कि उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस होता है, बीच उसका वो चैनल है उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आएगा। उस ऑब्स्ट्रक्शन जब मेदो धातु में आता है उसमें ओबिसिटी आ जाता है, कि स्थौल्यता बन जाता है। अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन किसी और धातु में आते हैं तो अलग 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 बीमारियाँ आते हैं। अगर रस धातु में आते हैं उनको पेट में समस्या होगा, खट्टी डकार आएगा, पेट फूलते जाएगा, डाइजेशन प्रॉब्लम्स आएगा, कॉन्स्टिपेशन होएगा। अगर रक्त धातु में आता है कोई स्किन डिजीज होएगा, डिफरेंट प्रकार की दाना निकलेगा। अगर मांस धातु में आएगा तो कैंसर बन सकता है। अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन वो मैदा धातु में है तो ओबिसिटी बनने के लिए चांसेस हैं। तो आयुर्वेद में हम क्या करते हैं कि क्योर करने के लिए वो ऑब्स्ट्रक्शंस को पहले निकालते हैं। उसके लिए हमारे पास पंचकर्मा थेरापी है, उसमें हम क्या करते हैं कि कुछ घी खिलाते हैं। जब वो घी खाएगा तो पूरा ओपन शरीर का कितना भी पोर्स है वो पूरा ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम वो टॉक्सिन्स को पेट के अंदर लाने के लिए कुछ अभ्यंगम थेरापी है, कुछ थेरापीटिक मसाजेस है वो देते हैं। जो पूरा टॉक्सिन्स पेट के अंदर आएगा, वो क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है वो पेट के अंदर आएगा, उसको हम किसी व्यक्तियों को, किसी पेशेंट्स को हम उल्टी करा कर निकालते हैं, किसी व्यक्तियों को हम लूज मोशन करा के, दस्त करा कर निकालते हैं, किसी को हम वस्ती करा कर निकालते हैं, मेडिकेटेड एनिमा करा कर निकालते हैं, उसको हम लेखना वस्ती बोलते हैं, उसको पूरा रब करके। उसके अलावा हमारे एक थेरापी होता है, उसको हम बोलते हैं उद्वर्तनम, वो पाउडर मसाज होता है। उद्वर्तनम कफहरम मेदसः प्रविलायनम, उसका एक ऐसे बताया गया है कि वो कफ को रिमूव करते हैं और कितना भी एडिपोस फैट है। डॉक्टर रियाज ने बताया कि किस तरीके से जब भी किसी इंसान को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है उसको कैसे दूर किया जाता है, उस मोटापे को कैसे दूर किया जाता है, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से कार्य किया जाता है। इंटरनली भी आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाया जाता है कि आप क्या खाएं, आपका खान पान कैसा हो, आपको क्या क्या खाना है, इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। जब भी कोई इंसान कंसल्ट करता है डॉक्टर से तो उसको बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं कि उसको पहले तो अपने दिनचर्या को ठीक करना पड़ेगा, फिर साथ ही साथ सूर्योदय से पहले उठकर अपना स्नान ध्यान करके अच्छा सा खाना पीना खाना है, फ्रेश एंड हेल्दी फूड खाना है, क्योंकि जब हम अच्छा खाना खाते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य में जल्दी लगता है। और खराब खाना क्या होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाता है और ये परेशानी भी लेकर आता है। ठंडा और गर्म खाना, जिस तरीके से डॉक्टर रियाज ने बोला कि उसे एक साथ नहीं खाना चाहिए, कि आप चाय के साथ दही ले रहे हैं, कभी आप हर चीज में एक गैप होना चाहिए, समय का थोड़ा सा अंतर होना चाहिए, एक साथ सारी चीजें ना खाएं, थोड़े से अपने सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा समय दें डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी हम चीजें खाते चले जाएंगे तो ना वो डाइजेस्ट हो पाएंगे और ना ही वो हमारे शरीर पर लग पाएंगे। क्यों होता है ये मोटापे का कारण, और साथ ही हम इसे कैसे क्योर कर सकते हैं, क्या क्या रीजंस हैं, ये सारी बातें डॉक्टर रियाज ने बताई। अब जानते हैं कि सिर्फ आयुर्वेद ही क्यों, आयुर्वेद के माध्यम से ही क्यों, कोई और मेडिसिन या और किसी देसी इलाज के जरिए क्यों नहीं हम इसको ठीक कर सकते हैं, क्यों कायरली ही, ये सारी बातें डॉक्टर रियाज से जानते हैं।
तो डॉक्टर रियाज, क्योंकि जिस तरीके से समय बहुत कम रहता है और इंसान सोचता है कि मैं अगर बीमार हूँ तो मैं जल्दी से ठीक भी हो जाऊँ, तो अक्सर क्या होता है, हम सोचते हैं कि आयुर्वेद का प्रोसेस बहुत स्लो है जो लोगों को लगता है, तो वो देसी इलाज के टूवर्ड्स बढ़ते चले जाते हैं। पर आप हमेशा आयुर्वेद के लिए लोगों को प्रमोट करते हैं कि आप आयुर्वेद की तरफ बढ़ें, तो कायरली ही क्यों और आयुर्वेद के लिए ही क्यों प्रमोट किया जाता है जी, कैसे अंतर है सब में? बिल्कुल, तो एक्चुअली कायरली का इम्पोर्टेंस ये है कि हमारा कितना भी डॉक्टर्स हैं वो ट्रेंड डॉक्टर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स हैं, वो पूरा प्रॉपर तरीके से पंचकर्मा कैसे करना है, कैसे करते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं। ऑथेंटिसिटी मैटर्स देन आयुर्वेद का नाम से अलावा कि आयुर्वेद सही से कौन करते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंस है इसमें। और दूसरा ये कि आयुर्वेद क्यों, आयुर्वेद इसलिए है कि जब हम मोटापा को कि शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए नहीं करते हैं, कि हम उसका मोटापा का कारण क्या है उसमें कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हम वजन कम करने में ध्यान नहीं रखते हैं, हम ध्यान इसमें रखते हैं कि किस वजह से मोटापा बढ़ा है, मोटापा हुआ है, उस मोटापा को कारण क्या है, उस कारण को हम ठीक करते हैं। उस कारण को ठीक करने के लिए हम आयुर्वेदिक शास्त्र में, आयुर्वेद शास्त्र में क्या क्या बताया गया है उसी के अनुसार हम ट्रीटमेंट देते हैं, वो भी क्लासिकल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कायरली देते हैं, इसलिए कायरली इम्पोर्टेंट है। तो आपने जाना कि इसलिए कायरली इम्पोर्टेंट है और कायरली किस तरीके से हमारी जीवन शैली को अच्छा बनाती है। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन लोगों को जब डॉक्टर से कंसल्ट करा और उसके बाद उन्हें फायदा महसूस हुआ है, आइए देखते हैं उनकी भी एक छोटी सी वीडियो। हेलो, मेरा नाम अक्षय है, मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा मोटापे से परेशान था, मोटापे से इतना परेशान था कि मतलब बहुत ज़्यादा उससे स्ट्रेस फील करता था, बहुत ज़्यादा डाउन रहता था, मतलब कंसंट्रेशन नहीं होता था उससे। तो उससे ओवरकम करने के लिए मैंने लाइक अपने फ्रेंड से कंसल्ट किया, अपने रिलेटिव से कंसल्ट किया। तो रिलेटिव से कंसल्ट करने लाइक एक रिलेटिव ने मुझे बताया कि लाइक कैराली आयुर्वेदिक ग्रुप के बारे में, ये दिल्ली में है, यहाँ से आप ट्रीटमेंट कोई भी पंचकर्मा ट्रीटमेंट ले लोगे तो आपको बेटर फील होएगा। तो ऐसे ही मैंने कंसल्ट किया यहाँ के, तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने बताया कि ये मेडिसिन आपको लेनी पड़ेगी, ये ट्रीटमेंट्स आपको लेनी पड़ेगी। तो मैंने लाइक ट्रीटमेंट्स ली, लाइक विद इन अ स्पैन ऑफ मतलब 3-4 मंथ्स के ट्रीटमेंट लिया। तो उसके बाद मुझे लाइक काफ़ी अच्छा फील हुआ, लाइक काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट मुझे लगा। तो थैंक यू सो मच कायरली, थैंक यू। हाय, मेरा नाम सोमिल है एंड एक्चुअली मैं ओबेसिटी की प्रॉब्लम से बहुत परेशान था कुछ टाइम से। तो मैंने कुछ सर्च किया तो किसी ने मुझे बताया कि एक बार कायरली विज़िट करो, वहाँ के डॉक्टर्स से कंसल्ट करो, वो अच्छे हैं, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। एंड मैं यहाँ पे आया और डॉक्टर से कंसल्ट किया एंड डॉक्टर ने सबसे पहले तो मुझे एक सजेस्ट किया कि सबसे पहले अपना रूटीन चेंज करो। रूटीन में जो आपके मॉर्निंग की 6 to 8 टाइमिंग होती है, ये आपका बहुत अच्छा होता है, इसमें आपको वर्कआउट तो करना ही चाहिए, भले हाफ एन आवर निकालो लेकिन निकालो, और इसमें आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो, मतलब काफ़ी अच्छी हैबिट है ये। तो इससे आपकी आई सारी बीमारियाँ और स्पेशली ओबेसिटी तो आपकी रिमूव होगी ही होगी। देन मैंने सबसे पहले तो वो फॉलो किया एंड इसके साथ मैंने इनकी पंचकर्मा एक थेरेपी है एंड एक थेरेपी और है, तो मैंने वो भी लिया। एक्चुअली उससे भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली और मतलब आई थिंक 2 मंथ्स के अंडर मैंने अपना काफ़ी वेट लूज़ किया है, खास स्पेशली मेरी टमी रिमूव, टमी का जो फैट है काफ़ी हद तक कम हुआ है। तो देखा आपने जिन जिन लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है कंसल्ट करने के बाद और उन्हें आराम मिला है, ये तभी हो पाया जब आप अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं और आप अपने जीवन को तब ठीक कर पाते हैं। आज डॉक्टर रियाज ने हमें बताया कि क्यों होती है ओबेसिटी की प्रॉब्लम, क्या क्या वो वजह है जिनकी वजह से लोग जो हैं ओबेसिटी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रियाज, आप यहाँ आए। नमस्कार। तो देखा आपने किस तरीके से हम अपने जीवन में खुशियाँ लेकर आ सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य जो है हमें आंतरिक शक्ति देता है, साथ ही साथ शांत मन आत्मविश्वास भी हमारा बढ़ाता है। आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना हम हर बार करते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें अपना खास कार्यक्रम। नमस्कार।